हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका व्हाट्सएप हो सकता है बंद हो जाए? आपका ही नहीं, मेरा भी और आपके परिवार में, मेरे परिवार में सबका, यहाँ तक कि पूरे इंडिया में हर किसी का व्हाट्सएप बंद हो सकता है। क्यों और कैसे हो सकता है, ये सब आज के वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत समय से भारत सरकार और बाकी जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सबके बीच एक जंग सी चल रही थी, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है हर किसी से कि जो भी आपका मैसेज भेजा गया है प्लेटफॉर्म पर, उसका सोर्स क्या है। मतलब कि जो भी मैसेज भेजा गया है, वो पहली बार कहां से भेजा गया है और कब भेजा गया है, ये सारी डिटेल सरकार जानना चाहती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, तो उसे आसानी से किया जा सके और जो भी हेट फैलाया जा सकता है उसे रोका जा सके या इस तरह की हरकत करने वाले पर्सन को डायरेक्टली पकड़ा जा सके। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि उसका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, माने कि उसके जो भी मैसेज जाते हैं एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ डिलीवर होते हैं और बीच में व्हाट्सएप को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो किसी भी मैसेज को नहीं देखता है और ना ही वो उसे स्टोर करके रखता है, तो वो इसके बारे में बता नहीं सकता है। और इसी को लेकर भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में केस चल रहा है कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में केस की सुनवाई होते हुए व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर हमें मजबूर किया गया कि हम अपना इंक्रिप्शन तोड़ दें, तो हो सकता है कि हम भारत से अपना कारोबार बंद कर चले जाए। आगे व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं और व्हाट्सएप पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि उनका मैसेज कहीं भी लीक नहीं होगा। दूसरी समस्या व्हाट्सएप ने यह बताई है कि अगर किसी भी मैसेज को हमें सोर्स बताना है, तो इसके लिए लाखों करोड़ों मैसेज को हमें सालों तक स्टोर कर रखना होगा, जो कि एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार कभी भी किसी भी मैसेज के बारे में पूछ सकती है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए व्हाट्सएप का डायरेक्ट कहना है कि अगर हमें अपने मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा गया, तो इससे अच्छा हम अपना प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। व्हाट्सएप ने आगे अदालत में ये भी कहा है कि हम अभी तक सरकार के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त में इस केस की सुनवाई फिर से होगी। लेकिन भारत सरकार का भी कहना है कि हमें सोर्स पता लगाने के लिए आपसे मैसेज चाहिए होगा और आप उस मैसेज को डिक्रिप्ट करिए और हमें बताइए कि उसका सोर्स क्या है। कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए या किसी भी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। लेकिन अब दोनों के बीच में एक लड़ाई सी छिड़ गई है और इससे पहले भी हमने देखा है कि ट्विटर और सरकार के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान था। लेकिन व्हाट्सएप अब जब हर किसी की ज़रूरत बन चुका है, यहाँ तक कि बहुत सारे सरकारी प्लेटफॉर्म है वो भी इसे यूज़ करते हैं बोर्ड की तरह और बहुत सारी अलग अलग जानकारियों को देने के लिए, तो देखना यह होगा कि कौन सा बीच का रास्ता निकलता है। क्योंकि यह तो श्योर है कि व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा तो उसका भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा, दोनों का होगा। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, दोनों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा और कुछ ना कुछ नया देखना होगा कि इस रास्ते में हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है 2021 में जब आईटी नियम आए थे, तो बहुत सारे कंपनीज को ये सब बताया गया था कि हमें सोर्स चाहिए होगा या आपका जो ऑफिसर है देश में रहना चाहिए, डाटा भी रहना चाहिए, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। तब से ही ये सारा मामला चलता आ रहा है। लेकिन अब ये जो आखिरी चरण में पहुँच गया है मामला, ज़्यादा स्ट्रांग और दिख रहा है, दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम और आप यही कर सकते हैं कि थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और बने रह सकते हैं जो भी अपडेट आएगी उस पर। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं आपको सारी अपडेट तुरंत देने की कोशिश करूँ। और हो सकता है कि ये व्हाट्सएप वाली खबर इतनी बड़ी बन जाए तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ वहाँ से पता ही चल जाएगा, अदरवाइज हम तो हैं ये आपको ज्ञान देने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आईटी ज्ञान और फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।